ध्यान में ये आया था कि लोग अब बसों में भी सफ़र करने से परहेज़ कर रहे हैं। रीज़न वही है कि लोगों में एक भय का माहौल है कि कोरोना वायरस से कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। तो इस बारे में अभी विभाग ने एक नया काम शुरू किया है कि हम जितनी भी बसेस हमारे बस स्टैंड से चल रही हैं, मेजर बस स्टैंड से चलेंगी, जो चाहे प्राइवेट ऑपरेटर्स की बसेस हों, चाहे वो HRTC की बसेस हों, हम सब में 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट का स्प्रे करेंगे और बसेस को सैनिटाइज करेंगे। इसके लिए हमने जो केमिकल है वो विभाग स्वयं प्रोक्योर कर रहा है और उसको HRTC के जितने भी हमारे अड्डे हैं, हमारी बसों का संचालन होता है, वहाँ अवेलेबल करवाया जाएगा। HRTC के जो पीसमील वर्कर्स हैं उनको इस कार्य के लिए एंगेज किया गया है और पहले से जो हमारे लेबर डिपार्टमेंट के तय रेट्स हैं उनके ऊपर हम उनको पेमेंट भी करेंगे। और इसमें आगे हमारी कोशिश ये है कि हम मास्क भी बसेस में उपलब्ध करवाएं, वो ड्राइवर और कंडक्टर को दिए ही जाएंगे। इसके अलावा अगर जनरल पब्लिक का कोई व्यक्ति मास्क की आवश्यकता है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मास्क उनको बसों में ही उपलब्ध करवा दिए जाए। इसके अलावा जितनी वॉल्वो बसेस हैं, वॉल्वो बसेस का जो संचालन हो रहा है, बाहर से सैलानी आ रहे हैं, तो हमने एक फॉर्मेट बना दिया हुआ है, वो फॉर्मेट हमने सर्कुलेट कर दिया है सारे वॉल्वो बस ऑपरेटर्स को और हमने उन्हें कहा है कि जो भी बाहर से जो फॉरेन, स्पेशली जो फॉरेनर्स आ रहे हैं, जो धर्मशाला में रह रहे हैं, उसकी हमें पूरी जानकारी दें कि कौन आया और वो उसका डेस्टिनेशन क्या है धर्मशाला या मैक्लोडगंज, ताकि कल को कोई ऐसी कार्रवाई अगर डिपार्टमेंट को करनी हो या उसको क्वारंटीन करना हो तो वो पूरी जानकारी हमारे पास और प्रशासन के पास भी होनी चाहिए।